नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम आसानी से घर पे बिस्किट का यूज़ करके जो है वो केक बना सकते हैं विदाउट एग्स और कंडेंस मिल्क का यूज़ किए बिना। यहाँ पे जो है हमने ब्रिटानिया के मेरी गोल्ड वीटा मेरी गोल्ड करके बिस्किट आते हैं उसका यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने 25 बिस्किट लिए हैं और थोड़ा सा हम घी का यूज़ करेंगे ग्रीसिंग के लिए, बर्तन को ग्रीस करने के लिए। यहाँ पे हमने चीनी का पाउडर लिया है, यहाँ पे हमने दूध लिया है जिससे हम इसका डो बनाएंगे या तो जो उसका है वो पेस्ट बनाएंगे जिसको हम केक के जो डब्बा है उसमें डालेंगे। और उसके अलावा मैदा लिया है, ये जो है वो हम बर्तन के अंदर डालेंगे जिससे कि केक हमारा चिपकेगा नहीं। उसके अलावा यहाँ पे हमने लिया है इलायची पाउडर और बेकिंग पाउडर लिया है। उसके लिए अलावा हमने यहाँ पे नमक लिया है इसका हम इसको हीटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे कुकर के अंदर। और ये एक्चुअल में सफ़ेद सफ़ेदी है, सफ़ेदी होता है, पर ये हमने दो तीन बार यूज़ किया है तो ये काला हो गया है। तो आप भी ये जो आपका नमक है उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोसेस जो है शुरू कर देते हैं। जो सीटी है वो हम निकाल देंगे और ये जो हमने नमक लिया है उसको हम डाल देंगे इसके अंदर, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरी। और इसको जो है इसको शुरू कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको हम गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं गर्म करके, और वही टाइम के अंदर इसको जो है 15-20 मिनट तक गर्म करेंगे। तो सेम टाइम के अंदर हम अपना जो पूरा पेस्ट है इसका केक का वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है बिस्किट को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, इसको डायरेक्टली आप ग्राइंड ना करें क्योंकि इससे जो है उसको ग्राइंडिंग करने में थोड़ा सी दिक्कत होगी। मिक्सचर के अंदर इसको छोटे टुकड़ा कर लें पहले, जो है इसको ये जार के अंदर भर देते हैं। तो अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो पहले आप चीनी को पीस लें और उसके बाद ये बिस्किट के टुकड़े को जार में डाल लें। मिक्सचर तो हम चीनी भी डाल देते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे।
पिसा हुआ है और बन चुका है। तो अब जो है हम इसका पेस्ट बनाने की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम छान लेंगे इसलिए जो है स्मूथ हो जाए। बड़े टुकड़े जो मिक्सचर में ग्राइंड नहीं हुए अच्छे से इसमें से निकल जाएंगे। इतना जो है अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ और जो है इसको अलग बर्तन में निकाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। जो ये पाउडर है हमारा इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये जो है मीठा है, अगर आप विटामिन तो मेरी गोल्ड जो आते हैं वो लेंगे तो आपको थोड़ी सी शुगर जो है चीनी जो है वो ज़्यादा डालनी पड़ेगी। जो है इसमें हम इलायची का जो पाउडर है वो डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। बेकिंग सोडा जो है 1 चम्मच छोटा चम्मच, फिर बेकिंग सोडा अलग आता है, बेकिंग पाउडर डालिए। मिक्स कर देंगे और दूध जो है हम डालेंगे, तो ये हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ में डालेंगे। बटर जो है वो हमने बना लिया, तो इसको हमने बर्तन में निकाल
पहले ग्रीस कर देंगे जिससे कि चिपकेगा नहीं। इसके अंदर जो है थोड़ा सा हमने और भी डाल के इसको थोड़ा सा खींच बना लिया, तो ये आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। और इसके साथ ही ये जो हमारा बर्तन है उसको हम थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि केक निकालते समय हमको थोड़ी सी आसानी हो। इस तरह से आप पूरा घी है उसको चारों तरफ लगा लें। उसके बाद जो है यहाँ पे मैदा है उसका आटा हम इस पर छिड़क देंगे जिससे कि केक जो है निकालने में हमको आसानी रहेगी। इसको जो है अच्छे से चारों तरफ फैला दें। जो है यहाँ पे बेटर है उसको हम डालेंगे इसमें, हो सके तो सेंटर में डालिए जिससे कि अच्छे से फैल जाए। और इसके अंदर जो है ये हम ड्राई फ्रूट जैम्स और चोको चिप्स जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे अच्छे से ऐसे बिछा दें। इस तरह से हम इसको सबको डाल दिया, थोड़ा सा जो बचा है वो ऊपर से डाल देते हैं और फिर अब हम इसको कुकर के अंदर रखेंगे। अब जो है जो हमारा बैटर है उसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे जिससे कि अच्छे से फैल जाए। और इसको जो है कुकर के अंदर डाल देंगे। सावधानी से खोलें और एक स्टैक का जाली स्टैंड है उसको हम अंदर रखेंगे सावधानी से। उसके बाद हमारा जो बैटर है उसको एकदम सावधानी से एकदम सेंटर में रखेंगे
उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये पका है कि नहीं पका है। अगर नहीं पका होगा तो फिर और 10 मिनट हम पकाएंगे। चालीस मिनट हो चुके हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सावधानी से खोलो, देख सकते हैं हम चाकू उसमें लगा रहे हैं, चाकू क्लियर आ रहा है। ऑलमोस्ट हमारा जो केक है वो पक चुका है। बाहर निकाल के भी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बेहतरीन जो केक है वो बन चुकी है। हमने जो अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें डाली थी वो पिघल गई है, उससे भी एक बढ़िया टेस्ट आएगा। इसे दिखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पर ऐसा हो तो आप एकदम मिक्स करके करें, या तो ये जेम्स और वो सब है वो बाद में ऊपर से डालें तो भी उसका लुक जो है वो अच्छा आएगा। यहाँ पे जो है ये पीस काट के रखा है, तो आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट हुआ है। केक थोड़ा सा पतला है क्योंकि हमको थोड़े से बिस्किट ज़्यादा लेने पड़ेंगे, इसका जो पूरा जो पेस्ट है वो ज़्यादा बनेगा, तो केक थोड़ा सा मोटा बनेगा जैसा कि आप मार्केट से लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है बेकिंग में पकने में, ये एक एक 1.5 घंटे के अंदर पूरा बन जाता है। और बिस्किट से बनेगा तो जो भी कंपनी के आप बिस्किट लोगे उस कंपनी का बिस्किट का फ्लेवर का आप केक बना सकते हो। आप ओरियो है उसके भी केक बना के मतलब ट्राई कर सकते हैं, आप हाइड एंड सीक के भी ट्राई कर सकते हैं, बोन बोन के भी ट्राई कर सकते हैं, जिसका भी आपको ट्राई करना हो सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। कि आप बच्चों के बर्थडे में भी बना सकते हो, या तो आपको टिफिन में देना है क्योंकि इसमें हमने ना ही अंडा यूज़ किया है ना ही कोई घी या तो कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, तो ये एकदम लाइट वेट है, खाने में भी हल्का है, तो आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं।